हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। एंड यहाँ से जो भी मैं बड़ी बुक में से आपको वर्क दे रही हूँ, वो सब अच्छी तरह से आप लोग लिख के लर्न कर रहे हो। ओके, आज हम लेने वाले हैं ईवीएस की बुक में से सी। ओके, पेज नंबर 24 से लेके 27 तक हम लोग करने वाले हैं। 24 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड 27 को हम लोग अपना वीडियो जो है आज की जो स्टडी है वो पूरी करेंगे। ओके, तो पेज ऊपर कीजिए एक मिनट। यहाँ पे 24 लिखा होगा पेज नंबर, देखो यहाँ पे ऐसा 2424 ऐसा लिखा है, ऐसा एक पेज निकालना है। ओके, तो यहाँ से ये वाले पेज में आपको क्या करना है, देखो, लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। अपना जो घर होता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम होते हैं, जैसे कि बेडरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, वो सब अलग अलग रूम होते हैं। तो वो हम रूम को क्या बोलते हैं वो विथ स्पेलिंग के साथ हम लोग सीखने वाले हैं। एंड यही स्पेलिंग आप लोगों को घर पे लिखना है। तो पहला है लिविंग रूम, थोड़ा ऊपर ले लीजिए। लिविंग रूम मतलब जैसे कि वहाँ पे टीवी होता है, सोफा होता है, हम लोग आराम से बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं, वैसा एक रूम होता है, उसको बोलेंगे हम लोग लिविंग रूम। LIVING लिविंग, ROOM रूम, लिविंग रूम। LIVING लिविंग, ROOM लिविंग रूम। फिर आएगा बेडरूम, मतलब हम लोग जहाँ पे सोते हैं वो रूम को बेडरूम बोलते हैं, BED बेड, ROOM रूम, बेडरूम, BED ROOM बेडरूम। फिर आया बाथरूम, मतलब आप बाथ लेते हो ना, नहाते हो ना, वो BATHROOM बाथरूम, BATHROOM बाथरूम। फिर आया किचन, जहाँ पे मम्मी खाना पकाती है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, किचन, KITCHEN किचन, KITCHEN किचन। फिर नेक्स्ट आया डाइनिंग रूम, मतलब वहाँ पे जो खाना हम लोग पूरे फैमिली मेंबर्स जहाँ खाना खाने बैठते हैं, और ऐसे एक टेबल चेयर्स होते हैं, या तो फिर नहीं होती है टेबल चेयर तो नीचे जहाँ पे हम लोग बैठते हैं तो जो एरिया होता है उतना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइनिंग रूम। तो उसका स्पेलिंग क्या आएगा, DINING डाइनिंग, ROOM डाइनिंग रूम, DINING डाइनिंग, ROOM डाइनिंग रूम। तो पहले से वापस से हम लोग रिविजन करेंगे, देखो पहला था लिविंग रूम, सेकेंड हमने सीखा बाथरूम बेडरूम, फिर आया बाथरूम, किचन एंड डाइनिंग रूम। ओके, तो ये स्पेलिंग्स आप लोगों को लिख के लर्न करने हैं। देन हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, ये स्पेलिंग में क्या करना है, इच विच रूम इन योर हाउस डू यू, हम जो रूम होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, तो वो करना है, वो सीखना है। अभी यहाँ पे लिखा है स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो आप सोते कहाँ हो, यहाँ पे दो पिक्चर दिया है, एक जो है वो बेडरूम है एंड एक जो है वो डाइनिंग रूम है। तो डाइनिंग रूम में हम लोग खाना खाते हैं, सोते नहीं है, हम सोते हैं बेडरूम में, तो हम वहाँ पे करेंगे राइट टिक। यहाँ पे लिखा है स्लीप, तो स्लीप हम अपने बेडरूम में करते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे राइट करना है। एंड ये जो है वो डाइनिंग रूम है, तो वहाँ पे हम लोग खाते हैं, तो वहाँ पे कुछ करना नहीं है, वो ऐसे ही छोड़ देना है। देन अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आया बाथ, बाथ मतलब नहाना, तो नहाते कहाँ हो आप, बाथरूम में या तो फिर किचन में, तो हम बाथरूम में जो है वो बाथ लेते हैं, तो हम यहाँ पे है वो राइट टिक कर देंगे, इधर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे आया वॉच टीवी, तो मैंने पहले ही बताया था
कि जो लिविंग रूम होता है वहाँ पे एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पे सारे लोग बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, तो वो सब हम क्या करते हैं लिविंग रूम में। और ये जो है वो डाइनिंग रूम है, तो डाइनिंग रूम में टीवी नहीं होता है, जो लिविंग रूम होता है वहाँ पे होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे वॉच द टीवी इन लिविंग रूम। ओके, तो वापस से हम लोग देखेंगे, जूम आउट कर दीजिए। देखो पहला था स्लीप, तो हम बेडरूम में करते हैं, तो वहां पे राइट टिक किया था। फिर आया बाथरूम, तो बाथरूम में करते हैं, तो वो वहां पे राइट टिक किया। फिर वॉच द टीवी, तो वॉच द टीवी इन लिविंग रूम, तो हमने लिविंग रूम पे राइट टिक कर दिया है। मतलब देखा जाए तो ये तीनों लाइन में राइट टिक आएगा और ये तीनों लाइन में कुछ नहीं आएगा। ओके, अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज, जूम आउट कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। जो हाउस होता है वो एक टाइप के नहीं होते, कोई लोग फ्लैट में रहते हैं, कोई हट, मतलब जो झोपड़ा होता है ना, जो वास से पूरा बना होता है उसे हम लोग हट बोलते हैं। फिर कोई लोग टेंट में लेते हैं, फिर कोई अगर आप देखा जाए तो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, तो वो जो होता है वो इग्लू होता है, तो वो वहाँ रहते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ घर्स होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन से घर को क्या बोलते हैं। अभी पहला आया है यहाँ पे फ्लैट्स। फ्लैट मतलब आपने देखा ही होगा ना, वो अपार्टमेंट होता है, वो उसको क्या बोलते हैं फ्लैट्स। तो उसका स्पेलिंग क्या आएगा, FLATS, फ्लैट्स, FLATS, फ्लैट्स। फिर आया बंगलो, मतलब जो जमीन पे बना होता है, एक घर के ऊपर एक घर जो बना होता है उसको हम लोग फ्लैट बोलते हैं। एंड जो टेनामेंट मतलब नीचे ही बना होता है लेकिन बहुत बड़ी साइज में बना होता है, उसको हम क्या बोलेंगे बंगलो, जिसमें सारी फैसिलिटीज हमको मिल जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बंगलोज, BUNGALOW, बंगलोज, BUNGALOW, बंगलोज। ओके, फिर नेक्स्ट आया टेंट। टेंट मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं या तो कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहाँ पे रहते हैं, तो इस तरह का जो घर बना होता है, जो पूरा आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो है वो कापड़ से बना होता है, ये जो कापड़ होता है ना उससे, तो उसको हम क्या बोलेंगे टेंट। तो उसका स्पेलिंग क्या है, TENT, टेंट, TENT, टेंट। फिर आया इग्लू। इग्लू मतलब ये जो जहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ती है, बहुत सारा स्नो होता है, तो वहाँ पे इस तरह का जो घर है वो बना होता है, तो इसमें ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, इसलिए वहाँ पे इस टाइप का जो होता है वो घर बना होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग इग्लू। जो ये भी मैन लोग ही बनाते हैं, इंसान ही बनाता है, तो इसको क्या बोलेंगे इग्लू, IGLOO, इग्लू, IGLOO, इग्लू। देन नेक्स्ट हट, यानी झोपड़ा, जो पूरा वास से बना होता है, जो वास की लकड़ी होती है ना उससे बना होता है, इसके अंदर भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से सेफ रह सकते हो, इसमें ना तो ठंडी लगती है ना गर्मी, और ना बारिश के छींटे अंदर आ सकते हैं। ओके, ये बहुत ही सेफ तरीके से बना होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे हट, HUT, हट, HUT, हट। अभी वापस से हम लोग देखेंगे सारे के सारे स्पेलिंग्स। पहला था वो फ्लैट्स, मतलब एक घर के ऊपर एक घर के ऊपर बहुत सारी ऐसे घर बने होते हैं और आमने सामने होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्लैट्स। फिर बंगलो मतलब एक ही घर होता है, बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बंगलोस। फिर टेंट मतलब जो ये कापड़ से बना होता घर है उसको हम लोग हट बोलते, ये डिफरेंट तरह का कापड़ होता है, वो बहुत ज़्यादा ठीक होता है। फिर आया इग्लू, मतलब जहाँ पे बहुत सारी बर्फ पड़ती है उस एरिया में जैसा घर, जिस जो घर होता है उसको हम लोग इग्लू बोलते हैं। एंड लास्ट में आया हट, मतलब जो लकड़ी से पूरा घर बनता है उसको हट बोलते हैं। देन नेक्स्ट
यहाँ पे टिक राइट द टाइप्स ऑफ हाउस यू लिव इन, आप कौन से टाइप के घर में रहते हो वहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। तो ये पेज आपको अपने आप करना है क्योंकि मुझे नहीं मालूम है आप कौन से घर में रहते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया है फ्लैट, तो अगर आप फ्लैट में रहते हो तो यहाँ पे जो स्क्वायर दिया है वहाँ पे राइट टिक कर देना है। अगर आप हट में रहते हो तो वहाँ पे राइट टिक कर देना है। फिर टेंट में रहते हो तो टेंट में, एंड बंगलो में रहते हो तो बंगलो में। तो ये पेज आपको अपने आप करना है। आपको क्या करना है, आप जिस भी घर में रहते हो वहाँ पे सिर्फ राइट टिक कर देना है। देन नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे मैंने बोला था कि 27 पे हम लोग अपना जो वर्क है वो पूरा कर देंगे। आई होप बच्चों आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। एंड मैंने जो पहले जो आपको स्पेलिंग सिखाया है पेज नंबर 24 पे, वो सारे के सारे स्पेलिंग्स आप लोगों को लिख के लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, बाय किड्स।